पिक करने के लिए जाएंगे और थोड़े से चक्कर लगा रहे कि वे करने में गए मैंने कभी देखा नहीं की चक्कर चक्कर को नोबडी इंटरेस्टेड इन पकोड़ा डू यू थिंक आई केयर आई डोंट नॉट केयर व्हाट यू थिंक मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल है उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुक विद मी। यहीं पे बिगनिंग में क्लैरिफाई कर देती हूँ कि रेसिपी नहीं शेयर करूँगी मैं आपके साथ क्योंकि मैं रेसिपी को सीक्रेट रखना चाहती हूँ क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी बहुत बार शेयर की है और जब मैं रेसिपी बनाने के चक्कर में पड़ जाती हूँ तो फिर मैं फिर मुझे वो सब कुछ शूट करना पड़ता है तड़का ये वो इन्ग्रीडियंट एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड मैं थक जाती हूँ। सो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी 3-4 बार होगी या फिर मेरे कुकिंग चैनल पे भी होगी। कुकिंग चैनल का नाम है सिमर कैन कुक, आप वहाँ से देख सकते हैं। पर हम कुक करेंगे एंड बातचीत करेंगे। तो दिन का पहला मील हिम्मत ने एंड हस्बैंड ने खा लिया। मैंने उनको बना के दी थी मेथी वाली मिस्सी रोटी। हिम्मत को बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, बट मेरे पास इन दोनों के लिए इनफ डो था, मेरे लिए नहीं। सो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया है, मैंने ब्रेड एंड बटर खाया है। सो अब जल्दी से कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं ताकि मैं खा पाऊँ राजमा राइस। राजमा राइस बनाएंगे। सो ये जो मेस है ये सुबह की है, इसको क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले। सो राजमा को ऑलरेडी मैंने रात को भिगो दिया था क्योंकि इससे आपकी गैस की बचत होती है एंड राजमा अच्छी जल्दी कुक हो जाते हैं। तो डिश वॉशर का फिल कर देते हैं, वो ऑलरेडी एम्प्टी है। सो सबसे पहले हमारा जादुई एप्रन पहनेंगे। अगर आपको ये एप्रन अच्छा लगता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। ये मेरे अमेजोन स्टोर फ्रंट पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड यस आप अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा एंड क्यूट सा ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी है। मुझे ज़्यादातर ना संडेज को राजमा राइस बनाना अच्छा लगता है क्योंकि फिर हिम्मत ना स्कूल लंच बॉक्स में बहुत मज़े से लेके जाता है एंड खुशी खुशी खा लेता है। सो आज का मेन्यू है राजमा राइस एंड मेरे पास बहुत ही प्यारी सी गोभी पड़ी है तो मैं सोच रही हूँ कि उसके पकौड़े बना लेते हैं राजमा राइस के साथ साइड्स। तो सबसे पहले टमाटर को बॉईल कर लेते हैं एंड हमारे टमाटर हो चुके हैं बॉईल। अभी हम इनका छिलका कर लेंगे अलग एंड देन राजमा का मिक्सर हो जाएगा हमारा तैयार। छिलके वैसे बॉईल करते समय अलग हो जाते हैं, छिलके ना करी में अलग से दिखते हैं। वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डाल भी सकते हो। सो इस पर डालने के लिए ना एक पूरा गार्लिक भी कर लेते हैं एंड अब अच्छी बड़ा चंक जिंजर। सो मेरे जो राजमा है इसमें मैं अनियन ही ऐड करूँगी। अभी ये गार्लिक को भी कर लेते हैं प्यार प्यार से। पकौड़े के लिए गोभी को ना नमक डाल के थोड़ा सा हम बॉईल करेंगे, लाइक ब्लैंच ही करेंगे, बहुत लाइक कुक नहीं करेंगे बट उसमें थोड़ा अच्छी तरह वॉश हो जाती है एंड थोड़ी सॉफ्ट एंड नमक भी अंदर तक चला जाता है।
पकौड़े के लिए ये बेस्ट है, कच्ची गोभी को फ्राई करने से ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो ये तड़के का मिक्सचर हो चुका है तैयार, इसको ग्राइंड करेंगे, पर तब तक मैं सोच रही हूँ कि बेसन का बैटर बना के रख लेते हैं एंड ये गोभी को हम थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लेते हैं। गोभी के पकौड़े के लिए गोभी ज़्यादा है, बट अभी मैं सोच रही हूँ पूरा बना के रख लेते हैं, किसी ना स्नैकिंग के लिए साइड्स के लिए यूज़ करते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो बेसन का बैटर बन चुका है। गोभी को मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल कर लिया है, एक दो बार कुक नहीं हुई है ये, एंड मेरे ये तड़के की खूबसूरत तैयारी कर ली है। एंड ऑल्सो अब हम राजमा को बॉईल होने के लिए रखेंगे, उसी के साथ तड़का शुरू कर लेंगे, क्योंकि थोड़े कच्चे राजमा के साथ जब तड़का लगता है तो ज़्यादा फूड स्वादिष्ट बनता है। यू गाइस नो कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितना ज़्यादा बिलीव है, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा सोचोगे, अच्छा थॉट्स क्रिएट करोगे, वैसा ही आपके साथ होगा, आप वैसा ही अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। इस ईयर की बिगिनिंग में या फिर लास्ट ईयर के एंड में एक टिकटॉक की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होगी, जिसमें उसने बोला था कि मुझे लकी गर्ल सिंड्रोम है। अभी लकी गर्ल सिंड्रोम इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लकी है, उसे लकी होने की बीमारी है और जो भी वो अपनी ज़िंदगी में चाहती है उसे आराम से मिल जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि अपने आप को प्यार करो, अपनी केयर करो, अपने साथ काइंड रहो, अपने आप को कंपैशन दिखाओ, क्या आप ये चीज़ें करते हैं? आपने बहुत बहुत बार सुना होगा एंड सबको लगता है कि यार अगर मैं अपने आप से प्यार करूँगा या अपने आप को कंपैशन दिखाऊँगा, दिस इज़ वेरी सेल्फिश कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता हूँ, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ और यू नो ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। पर डीप इनसाइड सबको पता है कि वो अपने आप को पहले नहीं रखते हैं, ऐसे लगता है कि यार वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, बट अगर आप अपने अंदर से बात करें आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपने से पहले दूसरी चीज़ों को रखते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को रखते हैं, अपनी फैमिली को रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं, बहुत बार आप अपना पसंदीदा फूड भी ऑर्डर नहीं करते हैं, ताकि किसी ने कह दिया कि यार तुम ये ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें यही अच्छा लगेगा, आप वही ऑर्डर कर देते हैं कि यार ऐसा दिल ना दुख जाए। पर आपको पता है कि आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको अदर चीज़ अच्छी लगेगी, बट आप फिर भी इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी अपने आप को आगे नहीं रखते। आप सोचते हैं कि जो वही खा लेते हैं जो इस बंदे ने सजेस्ट किया है। ये कहना बहुत ज़्यादा आसान लगता है कि अपने आप को अपनी नंबर वन प्रायोरिटी बना के रखो, बट इतना आसान नहीं है जितना ये सुनने के लिए लग रहा है। पर एक्चुअल में आपको इस पर वर्क करना चाहिए। अगर आप ऐसे हैं कि आप अपने आप को पहले रखते हैं दूसरे बंदों से, तो अमेजिंग, पर अगर नहीं है तो आप ज़रूर से इस चीज़ पे वर्क करें, अपने को दूसरे से पहले रख के देखें। इससे ज़्यादा बड़ा सेल्फ केयर का कोई भी स्टेप नहीं हो सकता है अगर आप अपने आप को दूसरों से पहले रखें।
अपने आप को दूसरों से पहले रखना का मतलब ये नहीं है कि आप मतलबी हो जाएं और लोगों को कुचलते हुए चले जाएं। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार, कंपैशन एंड काइंडनेस होनी चाहिए आपकी सराउंडिंग्स को लेके। बट अपने आप को पहले रखने का मतलब है कि अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करें दूसरों के लिए। प्रटेंड करें कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आज एंड किसी और बंदे ने आपको कहा कि अपना काम छोड़ के तुम मेरे पास आ जाओ, एंड आप अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हैं कि चल कोई गाली मैं बाद में कर लूँगा, उसके लिए आप चले जाते हैं। पर अगर ये चीज़ दूसरी तरफ होगी एंड आप किसी को बुलाएंगे अपने लिए एंड उनके पास कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वो नहीं आएंगे, वो अपना इंपॉर्टेंट काम करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सो अगर आपकी आदत ऐसी है कि आप अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरे लोगों के लिए, सो कैसे ये यूनिवर्स आपको अपनी प्रायोरिटी रखेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे पे काम नहीं करता है, कि कैसे काम करेगा। अगर आप ही आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं है तो यूनिवर्स की आप पहली प्रायोरिटी कैसे हो सकती हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, जो आपका रियल में मन करता है वो चीज़ें करते हैं, अपने आप को दबा के नहीं रखते हैं एंड अपने वो खुल के सामने लेके आते हैं, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स के साथ ऐसी अच्छी तरह कनेक्ट हो जाएगी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर से हो जाएगा। अभी लक्की गर्ल सिंड्रोम में क्या है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, अभी आपको फील करना है कि वो चीज़ आपके पास है, ऐसे रिएक्ट करना है। जैसे अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए, आप फील करें कि वो गाड़ी आपके आज में ऑलरेडी खड़ी है और आप उसमें ड्राइव करने के लिए जाने वाले हैं, जैसे आप डोर खोलेंगे वही वाली कार होगी, उसमें आप ये वाला म्यूजिक प्ले करेंगे। जब आप इतनी अच्छी एनर्जी अपनी किसी चाहत के लिए डालते हैं एंड आप 100% श्योर होते हैं कि मेरे साथ जो भी होता है लकी ही होता है, ये मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है, तो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी आपके साथ ऐसे मैच करती है कि जो भी आपकी चाहत होगी वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो इसमें एक ही शर्त है कि आपके डिजायर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए और किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए। आप अपने बारे में सोचें पर दूसरों के बारे में बुरा मत सोचें। अच्छा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो कोशिश करें कि उनके बारे में सोचें नहीं। आजकल जब भी मैं इंस्टाग्राम या टिकटॉक देखती हूँ, बहुत सारी वीडियोस मुझे देखने के लिए मिलती हैं कि हस्बैंड को कैसे सुधारें, इन लॉज को कैसे सुधारें, इसका बदला कैसे ले, रिवेंज कैसे हो, उसको सबक कैसे सिखाएं। ये बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इतने सारे चक्कर से अच्छा है कि आप ये देखें कि आप अपने आप को कैसे सुधारें, आप कैसे बेटर इंसान बने। आपको दूसरों की चीज़ों पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई बोल रहा है या दुख दे रहा है, आपको पता है कि आप असल में कैसे हैं। सो आपको किसी और बंदे की चीज़ों पर रिएक्ट करके रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, और इससे आप बहुत बुरा कर्मा क्रिएट करते हैं। और जो लोगों की सोच ऐसी है कि किसी को लेट डाउन कैसे किया जाए, उसके साथ अच्छा कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो मुझे चाहिए थी, उसे कैसे मिल गई, उसके साथ बुरा कैसे हो, वो लाइक जो भी बंदा ऐसे थॉट्स क्रिएट करता अपने ब्रेन में, उन पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो आप गलत चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो। सो जो ऐसा कंटेंट भी मत कंज्यूम करो कि किन्नू किसी को कैसे सुधारे। आप ये देखें कि आप अपने आप को बेटर इंसान कैसे बनाएं। अपने आप को तो आप बेटर बना नहीं सकते हैं, दूसरे सारी दुनिया को सुधारने के लिए चले हैं। ऐसे हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका दूसरों के प्रति अनकंडीशनल मदरली लव होना पड़ेगा। आप नेचर से प्यार करने वाले होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हर कुछ मिले। आपको पेड़ से, पौधों से, जानवरों से, हर एक पे नो मदरली लव आना चाहिए। अगर आप वैसे किस्म के इंसान हैं, लोगों से तो आना ही चाहिए जो आपके जैसे हैं या आपके आसपास हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा है तो उसको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा दूर कर दें। उसके बारे में अगर थॉट क्रिएट करते रहेंगे वो दूर नहीं होगा, फिजिकली वो दूर हो सकता है पर थॉट से वो और ज़्यादा करीब आ जाएगा। और हर थॉट जो भी आप क्रिएट करते हैं उसके लिए बुरा चंगा वो सारा कर्मा क्रिएट होता है। तो आप फिजिकली उसका जाके हार्म कर दे या थॉट से कर दे, दोनों एक ही चीजें हैं। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं, आपको पता है कि आप ऐसे इंसान हैं या नहीं है, आप छुपा नहीं सकते हैं, आपके डीप इनसाइड दिल को पता है कि आप लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करेगा। आपको सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें समय लगता है। जब भी आप किसी के बारे में बुरा थॉट क्रिएट करने का शुरुआत करते हैं या मिडल ऑफ समवेयर आपको याद आता है कि यार ये क्या कर रही हूँ मैं, सो वहीं पर स्टॉप करके पॉजिटिव से उसको कन्वर्ट करना है। एंड जो भी आपको चाहिए ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आराम से आ जाएगा, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बहुत बड़ी बहुत छोटी नहीं है। एंड ऑल्सो अगर आप ये लॉ ऑफ
अट्रैक्शन वाली जर्नी पे चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें. जब आप मेडिटेट करते हैं और जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आप फोकस होकर यूनिवर्स को बता सकते हैं कि आपको ऐसे प्रिटेंड करना है कि जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है. प्रेजेंट टेंस में बोलें कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे मेरी फेवरेट कार दे दी, उससे चला के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ, ये इतना प्यारा घर मुझे दिया है, आई फील वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल, ऐसे उसे प्रेजेंट टेंस में बोले. एक और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक टिप बताना चाहूँगी. आपको पता है मैं ये चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, पर ऐसे मैं अंधा विश्वास नहीं करती हूँ, पर वो है कि आपको हर दिन जब आप उठते हैं, जब भी आप अपने ऑफिस में या काम करना शुरू करते हैं, तो आपको जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो ग्रीन पेन के साथ क्लियर पेज पे लिखें, एंड ऐसे लिखें कि वो आपके साथ ऑलरेडी है, एंड ग्रेटिट्यूड दिखाएं कि यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा सेहतमंद हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है, मेरी सेहत बहुत परफेक्ट है, मेरी प्लेट में खाना भरा पड़ा है और जो भी मुझे खाने के लिए मन करता है मेरे पास हमेशा अवेलेबल होता है. आपको जो कुछ भी चाहिए वो सारा ऐसे ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए लिखें जैसे वो प्रेजेंट में हो. आप ज़रूर से मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी ड्रीम जिंदगी. पर याद, थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए समय ज़रूर निकालें, 5 मिनट, एंड बो डाउन करें द स्काई की तरफ एंड उन्हें थैंक्स करें कि आपने मुझे एक और मौका दिया, मैं सुबह जिंदा हूँ, उठ गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, थैंक यू सो वेरी मच. सो यू गाइस कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग. यू आई विश कि आपको भी लकी गर्ल सिंड्रोम हो जाए और आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओ. सो हम लगाएंगे तड़का, जल्दी से गैस को ऑन करते हैं, खूबसूरत तड़के को ब्लेंड करते हैं क्योंकि फिर मुझे चटनी भी बनानी है. सबसे पहले ऐड किया जाएगा जीरा, एंड ये टमाटर को ना डाल के मैंने ढक्कन लगा दे क्योंकि क्या है कि इसमें पानी है ना, तो फिर वो सब तरफ उछल उछल के आएगा. आई डोंट नो आपको मैंने बताया है या नहीं, मैंने कुक करना बिल्कुल पसंद नहीं है. Why are you making a long face? I don't see any Rajma. That's not true. सो ये हस्बैंड का बहुत ही क्रंची अनियन पकौड़ा है. Look that, he looks there. He looks not at the TV. And these guys are watching some TikTok videos. Oh,
ओके सो राजमा बन चुके हैं, राइस बन चुके हैं, पकौड़े हम लोगों ने खा लिए हैं। गोभी के पकौड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा मेरी दोस्त को दे देते, उनके घर शाम का समय है, चाय के साथ पी लेंगे वो। अब हिम्मत चला गया पार्क में, मैं और हस्बैंड उसको पिक करने के लिए जाएंगे और थोड़े से चक्कर लगा रहे कि वे करने में गया। मैंने कभी देखा नहीं कि चपट चपट को नोबडी इंटरेस्टेड इन पकौड़ा। डू यू थिंक आई केयर? आई डोंट नॉट केयर व्हाट यू थिंक। सो गाइस हम जाएंगे सैर करने के लिए, वैसे तो ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है बट थोड़ा सनी है ना, तो फिर सनी के साथ यहाँ पे अच्छा ही लगता है। सो मेरे ये खूबसूरत मेड वाले कपड़े उतार देते हैं। एंड बाय द वे अगर आपने नहीं देखा, आज मैंने ये लिव नेकलेस पहना है, बहुत ही प्यारा 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, ज़रूर से खरीदें। मेरी ज्वेलरी बहुत ही प्यारी, रीजनेबल प्राइस पे, अमेजिंग डील है आउट देयर। तो मैंने पकौड़े ज़्यादा नहीं खाए, तो मैंने भूख लगी, मैं दिल कर राजमा चावल खाए ला, बट लेटर खाएंगे एंड आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी कैसे हैं। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। दिस इज़ लकी गर्ल सिंड्रोम कि आपको पता है कि जो कुछ भी आप करते हैं अमेजिंग करते हैं। मैनू है नहीं है वैसे, मैं डाउट तो करती हूँ पर करना नहीं है हमें। ओके माय हस्बैंड, आपने कभी इनको देखा नहीं होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा यू ऑलरेडी सॉ हिम। नो, ही इज द फर्स्ट टाइम एंड नमाज पढ़ा मैं। यस यस ही इज। सो मेरे हस्बैंड ने एक डिफरेंट पाथ चुन लिया है अपने लिए, जिसमें उन्होंने जो उनके अंदर से एक नया इंसान निकल के आया है वो है ये। जैसे आप संतरे को छीलते हैं अंदर से डिफरेंट होता है, नारियल को छीलते हैं अंदर से होता है, वैसे ही ये नया रूप आया है। और जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगी, ये काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट बेहुदा सो ये काफ़ी ज़्यादा वाहियात है। इससे अच्छा मुझे पुराना पति ही लगता था। मुझे लगा था कि ये बदल के अच्छे बन जाएंगे पर ये नहीं बने। सो मैं काफ़ी ज़्यादा उदास थी, तभी मेरी ज़िंदगी में एक नई बिल्ली आ गई। वो बिल्ली ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी कितनी हसीन उस बिल्ली ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी कितनी हसीन हो सकती है। मैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में जा चुकी थी। वह मेरा ना बड़ा दिल करता कि मैं ना इंग्लिश मूवीज़ की डबिंग करा। ऐदा तुम कितने वाहियात हो, तुमने ये क्यों नहीं सीखा? तुम्हें लगता था तुम मुझे डरा दोगे पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम कितने मजाकिया हो। ओ मम्मी तुम कितनी प्यारी हो, तुमने बनाई है मच्छी। मम्मी तुम कितनी हो अच्छी। अभी दोस्तों घर आ चुके हैं हम एंड मैं और हिम्मत डिनर करने वाले हैं। हस्बैंड ने कहा कि वो स्किप करेंगे क्योंकि उन्होंने पकौड़े खा लिए थे। मैंने पकौड़े नहीं खाए थे, जो मैं कुक करी थी तभी एक अद्धा खा लिया मैंने। एंड अब सर्व करने की बारी आती है, आपको दिखाती हूँ कैसा मील बना है। तो मैंने जाने से पहले किचन को काफ़ी क्लीन कर दिया था, पर अभी भी मेरे पास बहुत सारे डिशेज हैं तो मैस है काफ़ी, सो इसको आप इग्नोर करें। हेलो, ओके सो हिम्मत को मैंने ऐसे डाल दिया, इसको कड़ीपा किस्म का अच्छा लगता है, पर इससे मैं ना आज चटनी भी दूंगी। हिम्मत तो चटनी लेनी है तो लाइक दिस। सो हिम्मत को दे दिया है फूड मैंने, लेट्स से कि हिम्मत के रिव्यूज क्या हैं। सो गुड, अरे बता। इट्स ओके, हिम्मत अपने फ्रेंड से बात कर रहा है एक्चुअली ऑन फोन। वेट, माय मॉम इज मेकिंग माय वीडियो रियल क्विकली। यू आर ऑन? या या सो दिस इज माय खूबसूरत प्लेट। सो ये मेरी प्लेट है, हम इसमें मैंने लिए है राइस, राजमा, दो पकौड़े लिए। सो इसमें मैंने ले लिया है अनियन, हरी चटनी एंड ये खूबसूरत प्लेट तैयार है। ओके सो ये है मेरी खूबसूरत प्लेट एंड खाते हैं खाना। एंड हिमन ने तो अच्छे रिव्यूज दे दिए हैं कि I'm outside. Come on. Come out. So good.
such a comfort food. इसको खाना लगता है कि घर पहुंच गए. Get in. Go to you. Strangers we know become husbands.